सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ फ्रेंड्स। और आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक या बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे, जो कि क्वेश्चन सभी के मन में रहता है। और वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ये है कि मेरी ग्रेजुएशन, मेरी डिप्लोमा या मेरा कोई भी कोर्स कंप्लीट हो गया है, तो अब मैं क्या करूँ? मैं जॉब के लिए भाग जाऊँ, या मुझे गैप देना चाहिए, या रेस्ट करना चाहिए, या मुझे क्या करना चाहिए? मेन क्वेश्चन ये रहता है कि अगर मैं गैप दूंगा तो क्या मुझे जॉब मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी क्या रहेगा? तो ये सभी क्वेश्चंस हम इस ब्लॉग में शेयर करेंगे। तो यार, पहला तो क्वेश्चन यही है कि जब डिग्री कंप्लीट हो जाती है तो बंदे के मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं जी। अब पापा बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट की तैयारी कर लो, जो कि सभी फैमिली बोलती ही है, क्योंकि वो पेरेंट्स लोग वो माइंड सेट रहता है ना कि गवर्नमेंट सेक्टर जो है सेफेस्ट सेक्टर रहता है, कि वहाँ पे जॉब आपकी नहीं जाएगी, चाहे कोविड आए, चाहे बूम आए सेक्टर में, चाहे ले ऑफ्स चले हों, तो वो सब चीज़ें उनके माइंड में रहती हैं। कुछ हद तक सही भी हैं, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में आपको एक सिक्योरिटी मिल जाता है, जॉब सिक्योरिटी। तो उसमें ऐसा है कि बाहर दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, आपकी नौकरी से आपको कोई नहीं निकाल सकता। और कुछ लोगों का ये भी मिथ है कि जी गवर्नमेंट जॉब तो बहुत ही अच्छी जॉब होती है, प्राइवेट वाले तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं दुनिया में। तो वो चीज़ें, मतलब मैं उन सब चीज़ों को नहीं मानता हूँ कि वो प्राइवेट जॉब में कोई ख़राबी है, या गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ है, या गवर्नमेंट जॉब ही बहुत अच्छी है। बट सभी जॉब्स अपनी जगह अच्छी होती हैं, वो डिपेंड करता है जॉब आप कैसे कर रहे हो और आपका मेन गोल क्या है। ठीक है, तो अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि हमारा डिप्लोमा डिग्री हमने करा हुआ है तो उसके बीच में गैप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यार, जब आप अपने ना फाइनल ईयर में होते हो ना, फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर में होते हो, तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बात चल पड़ी होती है कि यार अब तो डिग्री होने वाली है, 3 4 साल तो मौज मार ली है। जो भी कई सीरियस होके भी करते हैं, कई वैसे कर लेते हैं, कई डिग्री में मज़े मारते हैं, सभी मारते हैं स्टार्टिंग में। तो उस टाइम के आपकी माइंड के अंदर एक क्वेश्चन चल पड़ा होता है कि हाँ, अब मेरा डिग्री होने वाला है, अब इसके बाद मुझे क्या करना है। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग आपकी स्टार्ट हो गई होती है माइंड में। तो मैं तो ये बोलना चाहूँगा, जिन्होंने मास्टर्स करनी होती है तो उनके माइंड में तो चल पड़ा होता है कि मेरा बीटेक कंप्लीट हो गया, अब एमटेक के लिए जाना है, एमबीए के लिए जाना है, मेरा बीए कंप्लीट हो गया, बीएससी कंप्लीट हो गया, अब एमए एमएससी जिसके लिए भी कोर्स के लिए जाना है। तो वो चीज़ क्या होती है, उन बच्चों को एक बेनिफिट होता है कि वो जैसे ही अपना ग्रेजुएशन करते हैं, वह पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए चले जाते हैं। तो बात कहाँ पर आती है कि जब आपका पीजी कोर्स कंप्लीट हो जाता है ना, उसके बाद क्या करना है आपको? तो वही बात हम इस ब्लॉग में आपके साथ मतलब डिस्कस करूँगा। उस टाइम पे आपको क्या करना है कि जैसे आपकी डिग्री मानो मंथ ऑफ मई में ख़त्म होती है, जून में ख़त्म होती है, तो मैं बोलता हूँ कि 1 2 मंथ टाइम लो समझने में कि अभी मार्केट सिचुएशन क्या चला है, और अपने आप को जानो कि मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है तो कैसे जाना है, गवर्नमेंट सेक्टर में मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में कहाँ एडजस्ट हो सकता हूँ अपनी मतलब डिग्री क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। और अगर मेरे लिए गवर्नमेंट सेक्टर है ही नहीं, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मुझे जाना नहीं है, तो प्राइवेट सेक्टर को फिर चेज़ करो। और जो मेरा पर्सनली सबसे बड़ा सजेशन है आपको कि गैप मत दो, गैप बिल्कुल भी मत दो अपनी डिग्री के बाद, क्योंकि गैप दोगे तो वो गैप जो होगा ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके आएगा आपके लिए। अभी मैं एक अपना ही एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। हमारे कैंपस में टी सी एस आया था रिक्रूटमेंट के लिए। तो भाई टी सी एस के तो इतने हार्ड एंड हिट रूल्स होते हैं ना, उन्होंने मेंशन किए हुए। तो उन्होंने ये करा हुआ था कि अगर आपका ग्रेजुएशन और मास्टर्स के बीच में भी अगर 1 साल का आपका गैप है, तो उन्होंने पूरा उसका एक्सप्लेनेशन मांगा हुआ था कि एक्सप्लेनेशन दो अगर आपका गैप है तो क्यों है गैप। और उन्होंने सीधा लिखा हुआ था, जो उनका मतलब क्वेश्चनियर उन्होंने पूछा हुआ था हमारे से, उसमें उन्होंने सीधा लिखा हुआ था, इफ़ यू हैव मोर देन 2 ईयर्स गैप बिटवीन योर बैचलर्स एंड पोस्ट ग्रेजुएशन देन यू आर नॉट एलिजिबल। तब आप एलिजिबल ही नहीं हो, ठीक है? तो गैप तो मत दो, क्योंकि कंपनीज जो होती हैं उनको सारा फ्रेश चीज़ चाहिए होती है, क्योंकि उनको पता होता है कि बंदे ने गैप दिया हुआ है तो कहीं ना कहीं तो डिसकंटिन्यूटी है बंदे में, स्टेबिलिटी नहीं है, बंदा डिसकंटिन्यूस है, तो मतलब वो क्वेश्चनिंग रहती है। और प्राइवेट सेक्टर तो ऐसा है कि अगर आप 6 महीने भी कहीं भटक गया आगे पीछे, या 6 महीने का भी गैप दे दिया ना आपने, तो एचआर ऑन में आप जब एचआर आपसे क्वेश्चनिंग करेगा ना, तो वो आपको घुमा देगा।
कि आप 6 महीने क्या कर रहे थे, तो वो लोग वही घिसा पिटा सा एक आंसर दे देते हैं कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर UPSC, फलाना ढिमकाना। तो वो लोग चला के, उनको पता है कि भाई सामने वाला झूठ बोल रहा है, कि इसने कुछ नहीं करा हुआ है। हाँ, अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन एडिशनली कराया है जो आप शो कर सकते हो, तो वो अच्छी बात है कि हाँ जी मैंने ये करा हुआ है। अदरवाइज गैप मत दो। ऐसा नहीं कि मैंने जी ग्रेजुएशन कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, अब तो 1 साल बस बढ़िया आराम से घर पे हूँ। 1 साल तो सोचने में निकल गया मेरा कि जी मैंने प्राइवेट सेक्टर में जाना था कि गवर्नमेंट में जाना था। वो चीज़ मत करना दोस्त, उससे प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, फिर आपके MNC में एंटर होने के चांसेस कम हो जाएंगे। फिर करो मतलब फिर आपको इंडियन बेस्ड लिमिटेड कंपनी में जॉब करनी पड़ेगी। गैप मत दो। और इवन जब आप यूनिवर्सिटी में होंगे, आप देखने लगोगे कि जब आप फाइनल ईयर में होते हो, तो कंपनीज उसी टाइम जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में प्लेसमेंट के लिए आ जाती है। तो ये यूनिवर्सिटी वाले भी क्या करते हैं लोग, कि जब आपका फाइनल सेमेस्टर होता है, उसी टाइम बच्चे प्लेस्ड करवा देती है। और कई कंपनीज तो ऐसी होती हैं, जैसे आपकी MBA कंप्लीट हुई नहीं, लास्ट एग्ज़ाम हुआ नहीं, उसके नेक्स्ट मंथ आपकी ज्वाइनिंग कंपनी में हो जाती है। तो वो चीज़ रहती है। अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू था, तो एक कंपनी थी, उसका इंटरव्यू था। तो उसमें तो उन्होंने डिमांड करा हुआ था कि जिन बच्चों ने MBA 22 में करा है, 2022 में, तो उन्होंने वही बच्चे मांगे हुए थे इंटरव्यू में। तो मतलब 2021 वाले भी उन्होंने मना करा था कि वो इंटरव्यू में एंटर नहीं हो सकते, बैठ नहीं सकते हैं। तो ये सब चीज़ें माइंड में रहती हैं। तो अब इसमें तो 2021 वाला जो बंदा है वो तो रह गया, मतलब वो तो इंटरव्यू भी नहीं दे सकता कंपनी का। तो ये है मेरा बोलने का मतलब, ये है कि गैप तो देना ही नहीं। जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होता है, वैसे लग जाओ अपने कनेक्शन जितने भी हैं आपके जान पहचान वाले, उनको बोल दो अपना CV डाल के कि भाई मेरी नौकरी लगवा दे, और कुछ ना कुछ करते रहो। घर में तो बेले मत बैठो। वो अलग बात है, अगर तुम्हें गवर्नमेंट में जाना है, तुम्हारा माइंड सेट रेडी है कि जी मैं अपने 2-3 साल भी दूंगा, एग्ज़ाम तो क्रैक कर लूँगा, मगर मुझे जाना गवर्नमेंट में ही है, तो वो इट्स अप टू यू। मतलब तुम सोच सकते हो फिर गवर्नमेंट में ही जाओगे, तो फिर ये है कि तुम ये वाला कीड़ा भूल जाना कि फिर MNC या इस फील्ड में जा सकते हो प्राइवेट सेक्टर में। क्योंकि अगर तुम 2-3 साल का गैप के बाद अपना MBA MCA MTech जो भी कर रहे हो, उसके बाद 3 साल तुम गवर्नमेंट में लगा रहे हो, फिर उसके बाद तुम बोलोगे कि अब मैं MNC या किसी प्राइवेट सेक्टर की जॉब में जाऊंगा, तो वो चीज़ें तुम्हारे लिए नहीं है। फिर 1-1.5 साल का गैप तुमने दे दिया, तो ये सारे दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे। अनटिल और अनलेस कोई एंजल बन के आए, तुम्हारा बहुत बड़ा कनेक्शन किसी कंपनी में अच्छी पोस्ट पे लगा हो कि हाँ वो तुम्हारा करवा रहा है, मगर ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत रेयर केस होते हैं। और अगर 1.5 साल या 1 साल, मैं तो बोलता हूँ 1 साल से ज़्यादा तुम घर पे बैठ गए, तुम्हें फिर नौकरी नहीं मिलेगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो जाएगा। तो ये है कि सोच समझ के करना, कुछ भी करना है। और मैं तो बोलता हूँ यार, गवर्नमेंट की तैयारी भी करनी है तो किसी जॉब में फंस जाओ एक बार, मतलब प्राइवेट सेक्टर की, साइड बाय साइड अपनी तैयारी करते रहो। बेशक जॉब कम हो, कम पैकेज की हो, मगर ये है कि तुम्हें श्योरिटी हो जाएगी कि ऐसा है कि जॉब के बिना नहीं बैठे हो, वो चीज़ अच्छी हो जाएगी तुम्हारे लिए। तो गैप तो मत दो, ना डिग्री और ना डिप्लोमे के बाद घर पे बैठो, और ना ही पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मतलब घर पे बैठो। टाइम लो, 1 महीने का लो, इससे ज़्यादा मत लो। प्राइवेट सेक्टर में जाना है, फाइनल सेमेस्टर से ही अपना इंटरव्यूज़ वगैरह देना स्टार्ट कर दो, और जैसे सेमेस्टर कंप्लीट होता है वैसे ज्वाइन कर लो। गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है तो ये सब चीज़ें भूल जाओ, अपना टाइम पूरा वहीं पे दो। प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो गैप मत दो, जैसे डिग्री कंप्लीट होती है वैसे ही कंपनी में एंटर हो जाओ। और बाकी यार, वीडियो अच्छा लगा हो, कोई भी सजेशन, कोई भी एडवाइस चाहिए होगी तो कमेंट जरूर ड्रॉप करना कमेंट बॉक्स में। और बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर ही दो यार वीडियोज़। और पता ही आप सभी को, आप सभी प्यार देते रहते हो, तो इसीलिए ये सब चीज़ें मैं आपके लिए लेके आता हूँ। चलो ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।